आज ये महिला दिवस है। महिला दिवस पर उस माँ के लिए एक स्टोरी के माध्यम से उसके त्याग और बलिदान को मैं रखना चाहूँगा। सभी जानते होंगे थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, प्रकाश का आविष्कार किया था, जिसके उजाले में ये सारा विश्व है। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत गरीब थे, स्कूल जाते थे, बच्चे उत्तम किस्म के होते ही हैं, कुछ उनकी गरीबी, कुछ परेशानियां, मजदूरी भी करना, निरंतर ना जान जा पाना, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और एक लेटर उनको पकड़ा दिया गया कि ले जाओ अपनी माँ को दे देना। उस माँ, उस लेटर में क्या लिखा था मैं बाद में बताना चाहूंगा। उस दिन के बाद वो लेटर जैसे ही माँ को मिला, माँ उस बच्चे को स्कूल जाना बंद करा दी। मजबूरी ऐसी कि एसी का काम करने लगे, एसी कंपनी में काम करने लगे जीविकोपार्जन के लिए। एक बार ट्रेन से एसी लेकर जा रहे थे, अचानक उसका डिब्बा टूट गया और एसी पूरे ट्रेन में फैल गया। पुलिस आती है, टीटी आते हैं, उनको इतना मारते हैं कि वो कान से बहरे हो जाते हैं। काफी इलाज चला, उसके बाद उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। मां ने सोचा कोई बात नहीं, उन्होंने घर पर ही बोले रहकर कुछ करो। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करना शुरू किया और कई बार असफल हुए। लोगों ने उन्हें पागल तक बोला, लोगों ने उन पर पत्थर मारे कि क्या एक बंद कमरे में रहकर करता रहता है। और कई बार असफल होने के बाद सफल हुए और एक दिन बल्ब का आविष्कार किए। उस लेटर में क्या लिखा था जो टीचर ने उन्हें लिख कर दिया था कि आपका बालक मंद बुद्धि है, उदंड है, ये मानसिक रूप से कमजोर है, ये कभी नहीं पढ़ सकता, आप इसे कहीं काम पे लगा लीजिए। उस माँ ने स्वयं ही पढ़ा करके उस बच्चे को इतना आगे बढ़ाया, इतनी तैयारी उन्हें कराई कि वो पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहे। उस माँ की बदौलत और सारी दुनिया में उजाला कर दिखाए वो थॉमस अल्वा एडिसन। उस माँ को प्रणाम है, उस माँ को प्रणाम है। आज आपके बीच में आई स्पेशलिस्ट एएसजी नेत्र चिकित्सालय से डॉक्टर साहब आए हैं, कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे जो मेडिकली प्रॉब्लम आती है आंखों में। अगर नॉर्मल बतौर नहीं ठीक होता तो लेसिक होता है, लेसिक में आपके 40,000 35,000
जो भी लगते हो, मैं आग्रह किया कि क्योंकि मुझे आगे का देखना पड़ता है, कई ऐसे बच्चे आते हैं जो सही हो भी नहीं पाता, उनसे दोबारा तिबारा लेजर ऑपरेशन कराना पड़ता है और कई पैसे खर्च हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो मैंने आग्रह किया कि मिनिमम से मिनिमम चार्ज में हमारे बच्चों के लिए अगर कुछ दे सकते हैं, तो इन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। इनकी सोच को, इनको सोच देने वाली माँ को मैं नमन करता हूँ। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल के बारे में, अपने बारे में कुछ बताएं।